75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో మాజీ మంత్రి రామచంద్రారెడ్డి నివాసంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా అధ్యక్షులు సాజిద్ ఖాన్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం పట్టణంలోని మహనీయుల విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి రామచంద్రారెడ్డి, డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ సాజిద్ ఖాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. आज 75th इंडिपेंडेंस डे में हिंदुस्तान जा रहा है. जिस तरीके से अंग्रेज़ों से और जो लोग देश पे जुल्म कर रहे थे राजा, वो लोगों पे लड़कर देश को आज़ादी दिलाई वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी. गांधी जी, नेहरू जी और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सारे लोग देश के लिए जान देकर इस देश को आज़ादी दिलाए. इस आज़ाद देश को फिर एक बार नरेंद्र मोदी और तेलंगाना में KCR ये लोग फिर एक बार गुलाम बनाना चाह रहे. जिस तरीके से कॉरपोरेट लोगों को बड़ा बनाकर, कॉरपोरेट लोगों के हाथ में हर चीज़ देकर, कारोबार से लेके हर चीज़, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, BSNL, हर चीज़ बेचकर पूरे हिंदुस्तान जो कांग्रेस 70 साल में बनाई, वो 70 साल की मेहनत को जो सो आज पूरी तरीके से कॉरपोरेट वालों के हाथ में देकर नरेंद्र मोदी और इधर तेलंगाना में KCR ये दौरा गुलाम बनाना चाह रहे. लोगों को जिस तरीके से इससे पहले लगान देना पड़ता था, आज जो सो कार और मोटरसाइकिल चलाए तो चालान देना पड़ रहा. रोड पे चले तो खाली 1000-1500 रुपये का एक मोटरसाइकिल को चालान लगाकर लोगों को तकलीफ दे रहे. इसी तरीके से एक साल के आसपास से किसान बिल के वास्ते जो सो एहतजाज कर रहे दिल्ली में, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी सरकार ने वो बिल वापस लेने का फैसला नहीं दिया, सिर्फ बुलाकर चर्चा कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि फिर एक बार हिंदुस्तान को जो सो गुलाम बनाने के, उस वक्त अंग्रेज़ गुलाम बनाए हुए थे, आज ये अटानी, अंबानी, बाबा रामदेव जैसे कॉरपोरेट वाले गुलाम बना रहे हैं. इन लोगों से फिर एक बार आज़ादी की लड़ाई के जैसा फिर एक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है. और इस देश को जो सो जो उनका मंशा है गुलाम बनाने का, वो मंशे को जो सो नाकामयाब करने की ज़रूरत है. बोलते हुए जितने भी कांग्रेस के आज रामचंद्र रेड्डी साहब के घर पे कांग्रेस के लीडर्स, कार्यकर्ता सारे लोग आए, उनको सबको मैं इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देते हुए यहाँ से हमारा प्रोग्राम गांधी जी के स्टैचू के पास से एक मार्च जो है सो AICC का प्रोग्राम है, वहाँ से अम्बेडकर चौक तक, फिर उसके बाद जितने भी फ्रीडम फाइटर्स इस देश के लिए जान दिए उनकी फैमिलीज़ को जो सो सम्मान करने का, तहनीत करने का कार्यक्रम कर रहे हैं. फिर एक बार प्रेस, मीडिया और कांग्रेस कार्यकर्ता और पूरे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं